अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ज़बरदस्त होंगे। मैं आपका दोस्त मोहम्मद शान और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन चैनल। दोस्तों, चीनी की मार्केट्स में मंदी का राज बरकरार, रेट्स और भी कम हो गए, हत्ता के पंजाब में इतनी रेट्स कम हो गए हैं तमाम शुगर मिल्स के कि उन्होंने सेल ही बंद कर दी है लगभग 4 से 5 दिन के लिए। तो इसके पीछे की वजह पर भी हम बात करेंगे और मैं आपको ताज़ा तरीन रेट्स की भी अपडेट दूंगा कि बाकी जो शुगर मिल्स सेल कर रही हैं तो उनके ताज़ा तरीन रेट्स क्या हैं। दोस्तों, नो सेल के पीछे ये वजह है कि तमाम शुगर मिल्स वाले चाहते हैं कि हमें बाहर चीनी बरामद करने की इजाज़त दी जाए, जिस बेस पर हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। अगर इस तरह के रेट्स रहे तो हम हरगिज़ चीनी फरोख्त नहीं करेंगे। उल्टा ये भी धमकी दे चुके हैं कि अंडा आने वाले सीज़न यानी 2022-23 में कई शुगर मिल्स को चलाया भी नहीं जाएगा। तो दोस्तों, इसके पीछे की वजह यही है कि रेट्स बहुत कम हैं। ये मामला 2-3 दिन तक सेट हो जाएगा और बाहर एक्सपोर्ट की इजाज़त भी मिल जाएगी तमाम शुगर मिल्स वालों को, तो अच्छे रेट्स बढ़ेंगे चीनी के। और शायद इसका फ़र्क इतना पड़ेगा कि किसानों की फसलों के रेट्स भी अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, आजकल क्या रेट चल रहे हैं तो रेट्स की अपडेट मैं आपको इस वीडियो में देता हूँ। तो दोस्तों, सिंध की शुगर मिल्स जो चल रही हैं तो उनके रेट्स आप मुलाहिज़ा करेंगे और इसमें कुछ पंजाब की भी शायद शुगर मिल्स हैं। तो चलिए रेट्स की तरफ। तो अलमोइज़ वन, तो इसका रेट जो चल रहा है 7,875 रुपये किसान शुगर का, 8,050 रुपये सांगड़ का, 7,750 थरपारकर का, 7,750 मीरपुर खास का जो है, 7,730 जोहराबाद का, 8,060 रुपये झणावाला हुसैन शुगर मिल्स का, 8,125 रुपये डिग्री शुगर का जो रेट चल रहा है वो 7,700 रुपये, सिंध आबादगार का 7,850 रुपये, दरिया खान का 7,850 रुपये, शाह मुराद का 7,850 रुपये, आबादगार का 7,850 रुपये, शेखू का 7,870 रुपये, फातिमा का 7,875 रुपये। बाकी जो पंजाब की शुगर मिल्स हैं तो आज से नो सेल कर दी गई हैं। बाकी जो AKT वगैरह या इतिहाद JDW, तो इनका रेट लगभग 7,700 रुपये था आज, पर फिर भी नो सेल कर दी गई हैं क्योंकि पिछले हफ्ते से रेट कम ही कम होते जा रहे थे, लगभग 7,600 रुपये तक आ गए थे, 7,670-7,680 पर। बहरहाल आज कुछ तेज़ी देखने को मिली पर ये तेज़ी उनको रास नहीं आई, तो इस वजह से उन्होंने बंद कर दी सेल। तो दोस्तों, ये थी कुछ वीडियो और अपडेट। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, तो हमें याद रखना। अल्लाह हाफिज़।